नई दिल्ली, फिलिस्तीन ने पाकिस्तान में अपने राजदूत को याद किया, जिन्होंने 26/11 के मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ मंच साझा किया था। एक क्रोधित भारत ने फिलिस्तीनी अथॉरिटी को बताया कि वैश्विक आतंकवादी के साथ अपने राजदूत का सहयोग अस्वीकार्य था। फिलिस्तीन के बाद अफगानिस्तान की यादें घटी, गहरी पछतावा का संदेश देते हुए भारत को आश्वासन दिया कि उन्होंने इस घटना में अपने दूत के उपस्थित होने के गंभीर संज्ञान लिया है। शुक्रवार को पाकिस्तान में फिलिस्तीनी राजदूत वालिद अबू अली रैली में हाफिज सईद के साथ खड़ा था, जो अमेरिका को येलुस को पहचाने की निंदा करता था, तेल अवीव नहीं इजराइल की राजधानी के रूप में। रैली को डिफाई पाकिस्तान परिषद ने बुलाया था, 40 सेकंड अधिक क्रांतिकारी इस्लामवादी पार्टियों के गठबंधन। हाफिज सईद भी इस गठबंधन का प्रमुख नेता है। फिलिस्तीनी राजदूत ने हाफिज सईद को साख देने के लिए विश्वसनीयता दी, जिन्होंने भारत पर कई हमलों की कवायद की थी और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के लिए उनके सिर पर एक इनाम था। नई दिल्ली में रैली के कुछ घंटों के भीतर भारत ने भारत के विचारों को जोरदार बताया। मध्य पश्चिमी बैंक में फिलिस्तीनी शहर रामाल्ला में भारत के साथ फिलिस्तीनी राजदूत और विदेश मंत्री के लिए भारत की मजबूती से चिंतित चिंताओं के बाद विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि फिलिस्तीन ने भारत को आश्वस्त किया था कि वह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में हमारे साथ खड़ा है और भारत के खिलाफ आतंक के कृत्य करने वालों के साथ संलग्न नहीं होगा। भारत में फिलिस्तीनी राजदूत अदनान अबू अलहेजा ने कहा कि पाकिस्तान में उनके समकक्ष को नहीं पता था कि हाफिज सईद कौन था, उन्होंने अपना भाषण दिया और छोड़ दिया। उन्होंने कहा, हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में भारत का समर्थन कर रहे हैं और इस वजह से मेरी सरकार ने सीधे हमारे राजदूत को घर वापस जाने का निवेदन करने का निर्णय लिया।